जेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। नड्डा आज वाराणसी में थे तो उन्होंने वहां पर बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा की और काशी की गलियों में कचौड़ी का आनंद लिया। तो वहीं प्रियंका चुनावी राज्य असम के दौरे पर हैं। प्रियंका करीब 45 मिनट कामाख्या मंदिर में रहीं। गुवाहाटी में आज सुबह कामाख्या माँ की पूजा अर्चना की और इसके बाद पहुंची लखीमपुर। वहां उन्होंने चाय बागान में काम करने वालों के साथ बातचीत की, स्थानीय लोगों के साथ झूमर डांस में हिस्सा लिया। झूमर डांस चाय बागान में काम करने वाले स्थानीय लोगों का लोक नृत्य है। तो ये दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। सुबह सुबह वो असम में कामाख्या मंदिर पहुंची। 51 शक्तिपीठों में प्रमुख कामाख्या मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की तो उसके बाद चाय बागान में काम करने वाले लोगों के साथ वो झूमर डांस में हिस्सा लेती हुई भी दिखाई दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में नड्डा वाराणसी दौरे पर हैं। आज उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। कहते हैं वक्त से आगे की सोच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दिया है मिशन 2022 का शंखनाद। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के दो दिवसीय दौरे को नड्डा की इन्हीं कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोई काशी आए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी ना लगाए ये तो मुश्किल है। ये तस्वीरें देखिए, बाबा के दरबार में दंडवत है नड्डा। बाबा भोले का दूध से अभिषेक, बेलपत्र और फूलों का अर्पण, शिव भक्त की तरह पूरे मनोयोग से पूजा करते जेपी नड्डा। पूजा पूरी हुई तो आरती में भी वो शामिल हुए। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की पूजा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं होती, लिहाजा विश्वनाथ मंदिर से नड्डा सीधे काल भैरव के दरबार में गए। जब भी काल भैरव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूं, तो साथ ही साथ काल भैरव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद लेता हूं। इस बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद काल भैरव जी का और पहले काशी विश्वनाथ जी का मिला है, जो मैं आशीर्वाद संजोकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारत की सेवा में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। काल भैरव के दरबार में आए और मंदिर के बाहर कचौरी जलेबी न खाएं तो वाराणसी आना आपका अधूरा हो जाता है। यहाँ की कचौरी को लोग काल भैरव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, लिहाजा नड्डा ने दलबल के साथ कचौरी का लुत्फ उठाया और कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया। काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ एक रस्म है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका मिला है। कल से बीजेपी नेताओं के लिए वाराणसी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी तो आज जेपी नड्डा ने बाबा का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की दो और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जेपी नड्डा की है जो काल भैरव मंदिर के बाहर कचौरी खाते नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है। कल वो वाराणसी में थी और उन्होंने कचहरी स्थित एक दुकान पर गोलगप्पे और चाट का आनंद लिया।
कहते हैं जब तक दूसरे दल चुनावी एक्शन में आते हैं तब तक बीजेपी कई दौर का प्रचार अभियान खत्म कर चुकी होती है। यूपी में विधानसभा चुनाव साल भर बाद है, लेकिन अलग अलग कार्यकर्ताओं के बहाने बीजेपी ने अपने कलपुर्जों को कसना और धार देना शुरू कर दिया है। कल बहाना था वाराणसी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन का। नड्डा और योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मौके पर वाराणसी में नजर आए। तो ये मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र आप याद रखिएगा कि ये मंत्र कोई चुनाव का मंत्र नहीं है, ये मंत्र किसी इलेक्शन का मंत्र नहीं है, ये मंत्र कोई मैनिफेस्टो एक चुनाव का नहीं है, ये शताब्दी का मंत्र है। इसको आपको समझना चाहिए, ये आने वाले समय में शताब्दी का। प्रियंका वाड्रा को छोड़कर यूपी में विपक्ष की तरफ से कोई नेता एक्शन में नजर नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी बताती है क्यों एक के बाद एक चुनाव में वो फतह हासिल करती जा रही है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।